हम आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो का पहला पार्ट पुमा द माउंटेन लोयन देखा होगा। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को अवश्य देखें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो के पार्ट 7 को शुरू करते हैं। पुमा वर्सेस लकड़बग्घा या स्पॉटेड हाइना। पहाड़ी शेर या प्यूमा बहुत बड़ा नहीं होता है। वे छोटी बिल्लियों की प्रजातियों में सबसे बड़ी हैं, लेकिन बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों में सबसे छोटी हैं। नर कूगर 50 से 100 किलोग्राम और मादा 30 से 65 किलोग्राम के बीच हो सकती है, लेकिन धारीदार लकड़बग्घा भी बहुत बड़ा नहीं है। यह वास्तविक लकड़बग्घा प्रजातियों में सबसे छोटी है। 20 से 55 किलो वजन के साथ वे कूगर से छोटे होंगे, इसलिए कूगर को वजन का फायदा होता है। हालांकि कूगरों के लिए समस्या यह है कि वे कम पेशीदार होते हैं, क्योंकि वे गति और घात स्थितियों के लिए निर्मित होते हैं। वे कूदने में विशेष रूप से अच्छे हैं और आमतौर पर अपने पंजों का उपयोग करके लड़ेंगे। हम जानते हैं कि मध्य पूर्व और एशिया में धारीदार लकड़बग्घा भूरे भेड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं और आमतौर पर एक से एक लड़ाई में वे भेड़िये पर हावी होते हैं। हम यह भी जानते हैं कि कूगर और भेड़िये में प्रतिस्पर्धा रहती है, लेकिन वर्ष 2015 में एक भेड़िये को एक कूगर द्वारा मारे जाने की एक घटना चर्चित रही थी। ऐसे झगड़ों की भविष्यवाणी करना कि कौन जीतेगा आसान नहीं है। तो कूगर और धारीदार लकड़बग्घा दोनों भेड़िये को हरा सकते हैं, लेकिन कूगर के लिए यह कठिन चुनौती है। धारीदार लकड़बग्घा अपने शिकार से भेड़ियों के झुंड को डराते हुए देखे गए हैं और यह एक गंभीर उपलब्धि है। भेड़िये और कूगर के बीच लड़ाई क्यों होती है जबकि लकड़बग्घा भेड़िये से जीत सकता है? यह सब काटने की शक्ति के बारे में है। कूगर के पंजे होते हैं, लेकिन उसका प्रहार बहुत शक्तिशाली नहीं होता है। भेड़िये और लकड़बग्घे दोनों के पास बहुत अधिक काटने की शक्ति होती है, जो उनके प्रतिद्वंद्वी को गंभीर रूप से चोट पहुंचा सकती है यदि वे किसी महत्वपूर्ण चीज को काटने का प्रबंधन करते हैं। इसमें हाइना की मोटी त्वचा जोड़े तो उन्हें सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत प्रदान होती है। मुझे लगता है कि हाइना की जीतने की अधिक संभावना है, लेकिन ये जानवर आम तौर पर सीधी लड़ाई से बचेंगे। कूगर सीधे टकराव में लकड़बग्घा से बच जाएगा और पहले प्रयास में विफल होने पर लकड़बग्घा पर घात लगाकर भागने की कोशिश कर सकता है। लकड़बग्घा ज्यादातर दृष्टि से शिकार करता है, इसलिए उस पर घात लगाया जा सकता है। मुझे लगता है कि कूगर सभी फाइट्स का 15% और लकड़बग्घा लगभग 65% जीतेगा। अन्य 20% तकनीकी रूप से ड्रॉ है, क्योंकि दोनों जानवर टकराव से बचने का फैसला करेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर इत्यादि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं। इसी तरह की जानकारी भरे वीडियोस की सूचना सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कीमती समय के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। We tried our best to provide correct facts and information, but the all information are collected from online sources. So please excuse us if you found any wrong information in the video, and comment us in the comment box about the information that you found not suitable. Thanks for watching our videos. हमने सही तथ्य और जानकारी प्रदान करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन सभी जानकारी ऑनलाइन स्रोतों से एकत्र की जाती है। इसलिए कृपया हमें क्षमा करें यदि आपको वीडियो में कोई गलत जानकारी मिली है, और हमें टिप्पणी बॉक्स में उस जानकारी के बारे में टिप्पणी करें जो आपको उपयुक्त नहीं लगी। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Disclaimer: Video is for educational purpose only. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Thanks for watching. देखिए ऐसा है कि शासन और प्रशासन की रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए डिस्क्लेमर दे रहे हैं। यह वीडियो सत्य और असत्य दोनों घटनाओं पर आधारित है। इस वीडियो के कुछ पात्र काल्पनिक हैं और कुछ वास्तविक हैं। इसे अपने खोपड़िया का यूज करके समझिए। इसमें यूज किए गए चटपटे वर्ड्स को फन में वीडियो को पूरा देख के लाइक और शेयर करके जाए, वरना पाप लग सकता है। और कमेंट बॉक्स में गुल्ला न करें, मजाक को मजाक की तरह लें और इंजॉय करें।